दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सकीन। स्वागत है आपका जीडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 9th का हिंदी सब्जेक्ट का इस साल द्वार्षिक परीक्षा में होने वाला आपका पेपर लेके आया हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके इस साल द्वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और अगर आपने ये प्रश्न सभी तैयार कर लिए तो आपके सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के, सभी क्लास के, सभी तरह की एजुकेशनल वीडियो मिलेगी। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पेपर कुल 70 नंबर का होता है और इसे करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। तो आपको 110 तक के प्रश्न की वीडियो पहले उपलब्ध कराई जा चुकी है, उससे आप ऊपर आई बटन यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। आज की वीडियो हम प्रश्न नंबर 11 से शुरू करेंगे। यहाँ से खंड 4 शुरू होता है और इसमें प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें 2 पद्यांश है, एक ये है और एक ये है। उनमें से आपको किसी एक पर कंप्लीट व्याख्या करनी है। आप देख लीजिए अच्छे से और आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें ये गद्यांश है और उसमें पद्यांश है। इसमें भी अथवा में 2 प्रश्न है, या तो आप ये कीजिए या ये कीजिए। इसे आप अच्छे से देख लीजिए, अगर आप चाहो तो इसकी फोटो भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा है तो भी आप बता सकते हो, आपको वो दिखा दिया जाएगा अच्छे से। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। दरिद्र की सेवा ही सच्ची सेवा है, लगभग 200 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न कुल 5 नंबर का है, इसे आपको 200 शब्दों में लिखना है। इसके अथवा में भी एक प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर के अकेश्वरवादी स्वरूप को किस प्रकार स्पष्ट किया है। इसमें भी सब सीमा 200 है, या तो आप ये कीजिए या ये भी कर सकते हो। और दोस्तों, आपको इनके आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर प्लीज लिखिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो आंसर की मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 14 है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आप क्या करेंगे। अपने शब्दों में लिखिए सब सीमा 200 शब्द। इसमें अथवा में प्रश्न है, सूरदास के पद पाठ के आधार पर सूर के बाल वर्णन को रेखांकित कीजिए। सब सीमा है 200 शब्द। प्रश्न 5 नंबर का है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अब इस पेज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कंगूरा बनने की होड़ा होड़ी मची है, लेखक ने इस कथन के माध्यम से क्या इंगित किया है। प्रश्न नंबर 16 है, बोलाराम का जीव कहाँ गया था, वहाँ रहने का क्या कारण था। दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। और आपको इसकी वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी से कोई दिक्कत हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी शिकायत जरूर दर्ज करें। प्रश्न नंबर 17 है, संसार को तपोवन क्यों कहा गया है। प्रश्न नंबर 18 है, मीरा ने राम रतन धन की क्या क्या विशेषताएं बताई है। प्रश्न नंबर 19 है, पेड़ और तालाब के माध्यम से रहीम क्या सीख देते हैं। और दोस्तों, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको इस साल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप इन प्रश्नों को मिस कर दें और बाद में पछताएं। प्रश्न नंबर 20 है, धनी व्यक्ति के स्वर्ग प्रवेश के बारे में महात्मा ईसा के क्या विचार है। प्रश्न नंबर 21 है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई। प्रश्न नंबर 22 है, पन्ना एवं बनवीर द्वारा किए गए जीवदान का अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 23 है, पर्वत गंगा यमुना बहाकर क्या अभिलाषा रखता है। प्रश्न नंबर 24 है, मीरा कृष्ण के किस रूप को अपनी आंखों में बसाना चाहती है। प्रश्न नंबर 25 है, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय दीजिए। प्रश्न नंबर 26 है, कवित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय दीजिए। दोस्तों, आज की यह वीडियो कंप्लीट हुई। इस वीडियो को अच्छे से तैयार कीजिए और आपको प्रश्न नंबर 10 तक की वीडियो पहले भी उपलब्ध कराई जा चुकी है, उससे आप ऊपर आई बटन देख सकते हो, वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और आपके पास कोई पेपर हो तो आप हमसे शेयर करना चाहते हो ताकि बाकी बच्चे भी उस पेपर का लाभ उठा सके, तो आप हमसे संपर्क करके नीचे कमेंट सेक्शन में वो पेपर सेंड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।